Hello and welcome back, students of Classic. Dear students, today we will discuss the poem The Old Brown Horse. This poem is based on an old brown horse whose life is very miserable. This poem can also be compared with the human life that when we become old, we feel powerless and hopeless. At this age, we need a company of friends and people okay so before we begin with the poem let's learn the new word meanings of the poem for easy and a better understanding of the poem so the first word is had my day which means my best days are past i'm now old Next one is Man. Long hair on the head and neck of a horse. Shaggy means untidy. Mela kuchela. Ganda. Weary means tired. Thaka. Thaka hua. Topmost bar means bar at the very top of the fence. Lamb means unable to walk properly. लंगड़ा जिसको बोलते हैं दैट इज लैम ब्लाइंड मीन्स अनएबल टू सी ट्रिम मीन्स नीट टाइडी डैशिंग मीन्स गोइंग वेरी क्विकली फैंस मीन्स रैलिंग ऑफ वुड फॉक्स मीन्स पीपल ओके ना ओपन योर बुक पेज नंबर थर्टी वन एंड फॉलो मी The old brown horse looks over the fence in a very sort of way. He seems to be saying to all who pass, "Well fox, I've had my day. I'm simply watching the world go by And nobody seems to mind as they are dashing past in their motor cars. A horse who is lame and half blind. Joe old brown horse hai, वो बाढ़ के ऊपर से फैंस एज यू कैन सी इन द पिक्चर राइट दिस इज बाढ़ राइट इट्स अ फैंस ओके इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बाढ़ रेलिंग ऑफ वुड राइट कॉल्ड फैंस तो ये जो ओल्ड ब्राउन हॉर्स है ये बूढ़ा है और फैंस के ऊपर से देख रहा है इन अ वेरी शॉर्ट ऑफ वे और ऐसे अंदाज़ में देख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है टायर्ड है वेरी मीन्स टायर्ड ही सीम्स टू बी सींग टू ऑल हु पास और गुजरने वालों से ऐसा दिखता है कि वो गुजरने वालों से कुछ कह रहा है वेल फोक्स आईव हैड माई डे वेल फॉक्स मीन्स पीपल या फिर आ, दोस्त कह रहे दोस्तों कि आईव हैड माई डे मेरा भी अच्छा टाइम था अच्छा वक्त था आई एम सिंपली वॉचिंग द वर्ल्ड गो बाय एंड नो बडी सीम्स टू माइंड क्या बस मैं क्या कर सकता हूँ खड़ा होके गुज़रने वालों को देख सकता हूँ ये जो लोग गुजर रहे हैं मेरे सामने से मैं उसको देख सकता हूँ और कोई भी मेरा ध्यान नहीं देता एज दे आर डैशिंग पास्ट इन दिया मोटर कार्स डैशिंग पास्ट मीन्स गोइंग क्विकली है ना वो बहुत तेज़ी से जा रहे हैं और अपने मोटर कार में जा रहे हैं एंड अ हॉर्स हु इज़ लैम एंड हाफ ब्लाइंड और वो जो घोड़ा जो क्या है लंगड़ा है और हाफ ब्लाइंड है आ, उस पर कोई ध्यान नहीं देता ओके द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैज़ अ शैगी कोट जो ओल्ड ब्राउन हॉर्स है उसके जो कोट हैं है ना फर जो बाल होते हैं गर्दन पे उसे क्या बोलते हैं कोट तो उसके जो बाल हैं वो उलझे हुए और लंबे बाल हैं ओल्ड ब्राउन हॉर्स के बट वंस ही वॉज यंग एंड ट्रिम एंड ही यूज़ टू बी ट्रॉट थ्रू द वुड्स एंड लैंड्स कि जब ये ओल्ड ब्राउन हॉर्स क्या था यंग था और सेहतमंद था तो क्या था ही यूज़ टू ट्रॉट मैं ना दौड़ा करता था कहाँ दौड़ा करता था जंगलों में और पगडंडियों से मैं तेज़ दौड़ा करता था ट्रॉट मीन्स जो घोड़े के दौड़ने की चाल होती है उसे क्या बोलते हैं ट्रॉट विद द मैन हु वॉज़ फाउंड ऑफ हिम और वो किसके साथ दौड़ता था या कौन सवारी करता था उसके ऊपर यानी वो आदमी जो उसका शौकीन था यानी उसका जो मास्टर सा था बट हिज मास्टर राइड्स इन अ मोटर कार लेकिन आजकल जो मास्टर हैं वो किस में सवारी करते हैं वो मोटर कार में सवारी करते हैं एंड इट मेक्स हिम फील क्वाइट सैड जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है किसको घोड़े को एंड इट मेक्स हिम फील क्वाइट सैड वन ही थिंग्स ऑफ डेज डैट यूज टू बी एंड ऑफ ऑल द टाइम्स दे हैड वो अपने पास टाइम को वो जो टाइम बीत चुका है जब वो जवान और सेहतमंद होता था उसको याद करके और अपने मालिक को देखता है कि अब वो उसकी केयर नहीं करते हैं और वो मोटर कार में सफ़र करते हैं सवारी करते हैं तो इसकी वजह से घोड़े को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है सम टाइम्स अ फ्रेंडली सोल विल स्टॉप नियर द फ्स कभी कभी जो फ्रेंडली सोल है यानी जिसको जो उधर से गुजरते हैं या जिसका दोस्ताना मिजाज है वो आके फैंस के पास इस बाढ़ के पास आके रुकता है वेर द टायर्ड ओल्ड हैड रेस वेयरली ऑन द टॉप मोस्ट बार जहाँ पर ये जो थका हुआ घोड़ा है अपने सर को ऊपर वाले हिस्से पर ये जो फैंस है इसके ऊपर वाले हिस्से पर रख के वो क्या कर रहा होता है रेस्क कर रहा होता है एंड अ फ्रेंडली वर्ड इज सेड और उससे कोई ऐसे दोस्ती की बात करते हैं आके देन द ओल्ड ब्राउन हॉर्स गिव्स अ लिटिल साई एज ही फील्स द काइंडली टच तो वो क्या करता है साई मीन्स लंबी सी सांस लेना तो वो ओल्ड ब्राउन हॉर्स लंबी सी सांस लेता है क्योंकि उसे वो फील टच होता है काइंडली टच यानी प्यार भरा सा फील टच होता है एक हैंड का ऑफ अ हैंड ऑन हिज मैन एज और है शेगी कोट यानी वो उसके जो गर्दन के ऊपर जो बाल हैं और शेगी कोट हेयर रिफर्स टू द फर है ना उसके जो लंबे बाल होते हैं सर पे और गर्दन पे जब उस पर कोई आके हाथ फेरता है तो वो बहुत अच्छा सा फील करता है एंड ही डजन माइंड सो मच और लोगों के हाथ फेरने की वजह से वो बुरा नहीं मानता है सो इफ़ यू पास बाय द फील वन डे जस्ट स्टॉप फॉर अवॉर्ड और टू कि जब भी आपका उस एरिए से गुजरना हो तो आप बस एक वर्ड या एक दो बात करने के लिए उस घोड़े के पास रुक जाओ विद द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हु वॉज वंस एज यंग एज फुल ऑफ लाइफ एज यू के वो घोड़ा भी उतना ही एनर्जेटिक और उतना ही फुल ऑफ़ लाइफ था जैसा कि तुम तो बस अभी वो बूढ़ा हो गया है तो अभी भी आ, उस पर ध्यान देना है और जब आ, आप उस एरिए से निकलो तो घोड़े के पास एक दो बात करने के लिए रुक जाओ एंड अ फुल ऑफ लाइफ एज़ यू और एक टाइम में वो भी उतना ही जवान और उतना ही सेहतमंद मन, मंद है जितना कि आप ही लव द टच ऑफ योर सॉफ्ट यंग हैंड एंड आई नो हिल्स हिल सीम टू से और वो जो टच है जो आप उस पर हाथ फेरोगे उसके बालों पे वो उसे फील करेगा और वो कहेगा ओह थैंक यू फ्रेंड फॉर द काइंडली थाट फॉर हॉर्स हुज़ हेड हिज डे के वो और वो बोलेगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए उस घोड़े के पास जिसका भी दिन कभी अच्छा हुआ करता था ओके okay? So, uh, this poem uh, has been written by W.F. Holmes. So, children, uh, to understand uh, the poem well, first you need to learn all the new word meanings of the poem. Okay, after that, watch the video again and again. And in case uh, you have any doubt, you can message me on my WhatsApp number. In, an, in the next class, we'll do the exercises of this uh, chapter. Till then, uh, goodbye.